चलिए जी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जरा फिर से। डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट का अपरेटस है, यहाँ पर एक स्लिट है जिसमें से लाइट पास होगी और पीछे एक सोर्स है जो स्लिट की विड्थ है उसे हम डी सपोज कर रहे हैं और सामने स्क्रीन है जिसका डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल डी है। पी पॉइंट है जो स्लिट के एकदम सामने नहीं है, किसी और जगह पे प्रेजेंट है। अब अगर लाइट यहाँ से बेंड होके जा रही है तो जो दोनों एजेस हैं इनकी नेमिंग कर लेते हैं, मान लो ये एज है एस वन, ये एज है एस टू, तो इन दोनों से जो लाइट यहाँ पहुंचेगी वो आपस में इंटरफेयर करेगी। अब इंटरफेरेंस हो रही है तो मैक्सिमा बन सकता है, मिनिमा बन सकता है या कोई इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट में किया था कि हम यहाँ पे जो इनका पाथ डिफरेंस है वो मेजर कर सकते हैं। अगर पाथ डिफरेंस मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो इस ऐसे करके यहाँ स्क्रीन के ऊपर फिर से मैक्सिमा और मिनिमा का एक पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो पूरी स्लेट है उसकी विड्थ मैंने बोला डी के बराबर है, और सपोज करो कि ये जो पाथ डिफरेंस है, हम एक एग्जांपल से करते हैं इसको। पाथ डिफरेंस मान लो लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा का मल्टीपल हो गया एन लैम्डा, किसकी कंडीशन है ये, मैक्सिमा की, ठीक है। अब अगर इस पूरी स्लिट को, यहाँ पे हमने सिर्फ मैक्सिमा देखने के लिए क्या बोला कि लाइट फ्रॉम दिस एंड एज वेल एज लाइट फ्रॉम दिस एंड, बीच वाली लाइट को हमने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो पूरी स्लिट है, हाँ जी बेटा, हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होता है तो मैक्सिमा बनता है, ठीक है। तो यदि हम लैम्डा ले रहे हैं, दैट मींस n को 1 ले लिया, 1 into लैम्डा, सिंपलेस्ट सिचुएशन, मैक्सिमा आएगा। लेकिन इसमें हमने गलती क्या करी, हमने एजेस वाली लाइट तो देख ली लेकिन पूरी स्लिट की लाइट को नहीं देखा, ठीक है। अब मैं इस पूरी स्लिट के बीच में एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ सो दैट पूरी जो स्लिट है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, ठीक है। ये जो मैंने सेंटर में पॉइंट मार्क किया है, सपोज मैं इसको x लिख लेता हूं, तो यहां से भी तो लाइट चल के यहां पे पहुंचेगी, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट्स होंगे स्लिट के अंदर, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम इनफाइनाइट को नहीं देख रहे, हमने बोला कि s1 और s2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, तो अगर मैं s1 और x के बीच में देखूंगा तो इनमें भी पाथ डिफरेंस होगा। अगर यूनिटरी मेथड लगा दें तो यहां से यहां तक पहुंचने में पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ है, तो आधी स्लिट तक पहुंचने में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हाफ स्लिट है, अब उसको मैं नीचे वाले हाफ से कंपेयर करने वाला हूं। देखो अगर ये थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं कि ये पूरी की पूरी स्लिट है, ये बीच वाला x पॉइंट है, ये s1 है, ये s2, यहां से भी लाइट जा रही थी, यहां से भी जा रही थी और यहां से भी जा रही थी, ये पाथ डिफरेंस लैम्डा माना तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाले हाफ में s1 से जरा सा नीचे एक और पॉइंट ले लूं, मान लो x1 ले लिया और x से उतना ही नीचे एक और पॉइंट मान लूं, सपोज x2 है, तो इन दोनों में भी उतना ही पाथ डिफरेंस होगा जितना s1 और x में है, कितना है वो, लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल मैक्सिमा आता है कि मिनिमा आता है, मिनिमा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर वाली आधी स्लिट में एक ऐसा पॉइंट है जो उसके साथ मिनिमा ला रहा है, उसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। अगर ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है
ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा? मिनिमा, डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइट खत्म हो गई, दैट मींस यहाँ पे मिनिमा आएगा, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में हुआ? व्हेन पास्ट डिफरेंस वाज लैम्डा। यही काम हम 2 लैम्डा के लिए भी कर सकते थे। अगर 2 लैम्डा करेंगे तो हम टोटल 4, पूरी स्लिट को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वाली दूसरे को कैंसिल कर देगी, तीसरे वाली चौथे को कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो दैट मींस अगर कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस हम n लैम्डा लेते हैं तो वहां पे क्या आता है? मिनिमा। दैट मींस यंग्स एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल रिवर्स कंडीशन बन जाएगी। आया समझ में सबको? हाँ जी पलक। बेटा जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होता है तो क्या आता है? मिनिमा। हमने बोला कि पूरी स्लिट को अगर हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 बराबर के हिस्सों में, तो ऊपर वाले पूरी जो ऊपर वाला आधा स्लिट है उसके हर पॉइंट के लिए नीचे वाली आधी स्लिट में एक ऐसा पॉइंट है जो उसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वहां पे मिनिमा बनेगा, ठीक है। कर लिया नोट इसको? वो भी कर लेंगे, अभी इतना समझ में आ गया ना, तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक हो जी। कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, व्हेन द पाथ डिफरेंस, व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द ऑपोजिट कॉर्नर्स of the slit is n lambda then the entire slit can be divided into 2n, divided into 2n equal parts, जैसे यहां पे हमने लैम्डा लिया था तो 1 into लैम्डा था तो 2 बना दिए, अगर 2 लैम्डा है तो 4 parts बनाएंगे, 3 लैम्डा है तो 6 बनाएंगे, इसलिए 2n parts किया है, such that for every point of one such part there is a corresponding point in its neighboring part having a path difference of lambda by 2. Therefore, light from these two points
will undergo destructive interference producing a minima at the point of observation. Mathematically, the path difference from edges of path difference for light from edges of the slit should be path difference for light from edges of the slit should be n lambda. Should be n lambda for minima. क्या कितनी होती है वेवलेंथ? कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर के बीच में वेरी करती है. अगला लिखो जी कंडीशन फॉर मैक्सिमा. हाँ जी ड्रॉ कर लो इसको. हाँ लाइट ही कम होती है जी वेवलेंथ. आपकी इच्छा है जी इसी समझ आता तो ये अकेला ड्रॉ कर लो. पेन में इंक कम है तो वो भी मत करो बेशक. पेन में इंक कम है, रिफिल में इंक कम है तो ये भी मत करो.